की जमीन से जुड़े मामले में ईडी की दिल्ली में कार्रवाई के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज है। ईडी का सामना करने से बच रहे सीएम सोरेन पर बीजेपी ने भगोड़ा होने का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन कथित लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बुरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। 10 समन के बाद जब वो हाजिर नहीं हुए तो सोमवार को ईडी की एक टीम उनके दिल्ली आवास समेत 3 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई देर रात तक चली लेकिन ईडी की टीम को हेमंत सोरेन नहीं मिले। जाते जाते ईडी की टीम उनकी BMW कार अपने साथ ले गयी। इससे पहले जैसे ही रांची में ईडी की इस कार्रवाई की खबर पहुँची, JMM कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। वहीं बीजेपी ने झारखंड के सीएम पर भगोड़ा होने का आरोप लगाया है। हालांकि ईडी की टीम उनकी जगह जगह तलाश कर रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना, UBT और शरद पवार के गुट वाले NCP के नेताओं की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। खिचड़ी स्कैम में अब ईडी ने आज शिवसेना UBT सांसद संजय राउत के भाई को पूछताछ के लिए बुलाया है। महाराष्ट्र में कोरोना काल के दौरान हुए कथित खिचड़ी स्कैम मामले में संजय राउत के भाई संदीप राउत को आज मुंबई ईडी दफ्तर में पेश होना है। इस केस में कुछ दिन पहले ही आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान को ईडी ने अरेस्ट किया था। पिछले साल जून में ईडी ने सूरज चौहान के आवास समेत मुंबई में 15 जगहों पर छापे मारे थे और कई दस्तावेज बरामद किए थे। आरोप है कि प्रवासियों को खिचड़ी बांटने के काम में BMC की तरफ से ठेके में गंभीर अनियमितता बरती गई। मामले में पिछले साल शिवसेना UBT नेता अमोल कीर्तिकर से भी पूछताछ हो चुकी है।